तो वो हम ऐड कर लेते हैं। और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिलहाल हम एक कहानी लिख रहे हैं। दोनों क्लास, तो सुबह के दोनों क्लास के बाद अपना सुबह शुरू हुआ कचौड़ी सब्जी से। लाइए इधर। हाँ, जहाँ देखा मेरा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस दिन में और हमारे इस ब्लॉग में। आज अपना बहुत ज्यादा, मतलब आज मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। अपना जो हम स्टोरी पे काम कर रहे थे उसको आज खत्म करना है, क्योंकि हम वो स्टोरी लगभग खत्म कर चुके हैं, मतलब बस उसको अब रीअरेंज करना है। तो आप हमारे साथ बने रहें तो लग जाते हैं आज के दिन में। फिलहाल एक दो काम है मार्केट का, वो खत्म करते हैं। उसके बाद हमको किसी का हेल्प चाहिए होगा, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो अकेले शायद नहीं हो पाएगा, एक डिस्कशन चाहिए हमको। तो या तो वो कॉल पे या तो हम किसी के पास चले जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि जल्दी से खत्म भी करना है सारा काम। तो आज हम बहुत सारा काम ले लिया, मतलब आज रात भर हो सकता है हमको जगना भी पड़ जाए। चलिए आज के दिन की ओर बढ़ते हैं, चले हमारे साथ। तो काफी देर अपने संतोष भैया से बात करने के बाद कुछ हल नहीं निकल रहा था, बट आखिर में मतलब बहुत कंफ्यूज हुए हम लोग, तो आखिर में एक हल निकला है। डर भी है कांटा तो मेरे पास। ये क्या व्हाट इज दिस रे भाई। चलिए चल, 1 2 3 कर लिया ब्रो, बाय। से खुद को क्या चाहिए, तू खुद से पूछ, तू खुद से पूछ। तो बात करके ही सारा सॉल्यूशन निकलता है। संतोष से काफी बातचीत करने के बाद काफी कंफ्यूज भी हुए, मतलब अगर हम किसी को 100% समझाना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ 5% या 10% ही उठा पाएगा। बाकी जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो सिनेरियो हम बना के रखे हैं, वो हम उसको सब कुछ नहीं समझा सकते। तो वो काफी हद तक समझा और वो हमको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था, पर हाँ वो भी सही था। बट एंड में उसको समझ में आया कि क्या करना चाहिए। हम जिस पे काम किए हैं इस पे करेक्शन का ज़रूरत है, तो वो थोड़ा करेक्ट किया है। तो फिलहाल इसको ख़त्म आज ही करना था, बट हो नहीं पाया, क्योंकि स्टोरी का काम जब ख़त्म होगा तब हम इसके बाद का काम शुरू करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल। और बात में ही एक काफी अच्छा पॉइंट हमको संतोष दिया है, तो वो हम ऐड करना पसंद करेंगे हमारा। और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिलहाल हम एक कहानी लिख रहे हैं। वो कहानी अगर अच्छा हो जाए, अगर पब्लिक रिलेट कर पाए, तो शुरू किए हम और आपको बताया जाएगा। आपको सुनाया भी जा सकता है, आपको दिखाया भी जा सकता है। तो इंतजार करें आप हमारा, तो वो हम ऐड कर लेते हैं जो हमको आज संतोष बोला है। और अच्छा बात यह है कि स्टोरी का प्लॉट संतोष को काफी अच्छा लगा। वो लिखता है, लड़का अच्छा लिखता है। आशा करते हैं आपको भी पसंद आएगा। जैसे लोहे को लोहार का और सोने को सोनार का जरूरत पड़ता है, वैसे ही इस कहानी को मेरा जरूरत है थोड़ा। तो हम लगे हैं इस पे, आपके पास जल्द पहुंचेगा ये। और उससे बात करके आज मेरा दिन काफी आसान हुआ है। उनको कुछ ऐसा राय दिया जिससे मेरा आज काफी दौड़ भाग कम हुआ है और कल का काम बहुत आराम से कर पाएंगे। नहीं तो मेरा बहुत अभी हेक्टिक होने वाला था, क्योंकि कुछ कुछ हम ज़्यादा काम शुरू कर दिए हैं अपना, सब कुछ पढ़ाई लिखाई से लेके ब्लॉगिंग वाला सब हम बढ़ा दिए हैं। मतलब भयंकर वाला व्यस्त रह रहे हैं, मतलब हमको किसी का मैसेज आ रहा है तो हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो ज़रूरी है ये भी। तो फिलहाल कल आप हमसे मिले, और ज़रूर मिले। और हो सकता है काफ़ी बात आज हम आपको नहीं बता पा रहे होंगे, बट आगे आपको बताया जाएगा। तो कृपया हमारे साथ बने रहें और हम आपसे कल मिलते हैं, क्योंकि जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी एडिट करेंगे, जल्दी अपलोड करेंगे, और बहुत सारा काम है अपलोड पे लगा के भी हमको कुछ कुछ काम आज खत्म करना है। और अभी नहीं भी तो रात का 1 बज रहा है, कम से कम 5 घंटे का नींद भी होना चाहिए। तो बाय, गुड नाइट, ध्यान रखें अपना।